जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ पर लाला के जन्माष्टमी में जो जो वस्तुएं यूज़ होने वाली हैं वो सब इसमें भर के हम रख रहे हैं, ताकि उस दिन मिलते मतलब हमें आराम से मिल जाए सब कुछ। ये प्योर कॉटन में बहुत नरम नरम है उसकी। ये देखिए, ये प्लेट से लेकर एक एक वस्तु, ताकि कुछ रह ना जाए। जो भी प्रभु धारण करेंगे वो इस तरह से हम भर के एक जगह रख रहे हैं, क्योंकि एंड समय पे हमने खरीद के काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं लेकिन एंड समय पर मिल नहीं पाती हैं ये सारी सेवा, इसलिए हम सब इकट्ठे रख रहे हैं। इनमें से जो जो भी प्रभु इस्तेमाल करेंगे, ये प्रभु के श्रृंगार हैं ये सारे, एक से एक बेहद सुंदर सुंदर, ये सब अलग से रखे हुए हैं पैक करके। अब इनमें से जो जो प्रभु अब धारण करेंगे, कुछ राधा अष्टमी पे धारण करेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और भी एक एक चीज़ को रखते जा रहे हैं, क्योंकि बड़े सौभाग्य से ये सेवा प्राप्त होती है। और इस सेवा को हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से जो है किया जाए, तो उसके लिए हम सब जो हैं, ये देखिए बेहद सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मंगलसूत्र बहुत सुंदर सुंदर, प्रभु ये सब इनमें से जो जो उनको पसंद होगा वो धारण करेंगे हमारी राधा रानी। ये सब नवीन होगा उस दिन, एक एक वस्तु नवीन होगी, बस उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये सब हम साइड में रख देंगे कुछ, मतलब उस दिन तो लाला की ही सेवा में सर्वोपरि है, उस दिन तो हम क्या देंगे भाई। और खिलौने जो है बांटे जाते हैं उस दिन जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि करुआ बिहारी जी का ये प्रथम जन्म दिवस है, और उन्होंने पिछले साल जो लीला की थी वो इसी दिन जो है आए थे, जिस दिन ये जन्माष्टमी जो है मनाई जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 27 तारीख को हम जन्माष्टमी मनाएंगे, क्यों इसके पीछे का वो भी बता देती हूँ। दो दिन की जन्माष्टमी है, 26 और 27। 26 जो है जन्माष्टमी मतलब बताई गई है, हर जगह 26 को मनाया जा रहा है, लेकिन पंचांग के हिसाब से 27 तारीख को जन्माष्टमी जो है मनाई जाएगी। बिहारी जी में भी, बाकी बिहारी जी मंदिर में भी 27 को मनाई जाएगी, इसलिए 27 को ही व्रत रखा जाएगा। और हम लोग उसका पारण जो है रात को 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, जब प्रभु का स्नान हो जाता है, और प्रभु जो है उस दिन पूरी तरह से उनका पंचांग स्नान होता है, उनको नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। दूसरे दिन ही नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदोत्सव में क्या होता है, बहुत सारे खिलौने जो है बांटे जाते प्रभु के जन्म दिवस के रूप में। उस दिन पूर्ण सेवा तो प्रभु की ही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस दिन की जाएगी। अब बहुत से बहुत पूछ रहे थे कि दीदी कैसे किया जाए। देखो, आप जब घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, सर्वोत्तम चीज़ें हम भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लाला के लिए एक से एक चीज़ जो है हम उठाकर रख रहे हैं, जो उसके उपहार है ये सब, ये हम तो उपहार ही कहेंगे, क्योंकि प्रभु के लिए किया हुआ एक एक कार्य हमारी तरफ से, सेवक हैं हम, भक्त ही तो हैं। अब ये देखो, मैं आपको एक और चीज़ कहती हूँ, ये हम यहाँ से नहीं, ये तिरुपति जी से लाए हैं। सोचो, फ्लाइट में लाला हमसे ये सब भी लेके आया है। और मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी रखी हैं, जो आपको उसी दिन देखना, आपको आनंद आएगा जब प्रभु की सेवा जो है उस दिन भव्य दर्शन है प्रभु के। प्रभु की सेवा में एक एक पल का, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। हम बहुत सारे ना वो भी लाए, वो भी निकाल के रखना, क्या बोलते हैं वो, क्या लाए थे मोतियों की लगा, हाँ हाँ, वो मोतियों की भी हम लड़े, पता है तिरुपति बालाजी से लाए, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलती है, एक बड़ी सी परात टाइप की होती है, वो भी हम लेके आए। तो वो सब आप दर्शन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। पूरा घर दोबारा से पुनः किया गया है, घर में स्थान नहीं है तो ऐसे हमको भर के रखना पड़ता है, दीवारों में भी कोई जगह नहीं है, बट कोई बात नहीं, प्रभु जैसे करवा रहे हैं हम वैसे ही कर रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। और ये देखो, जब जब आनंद होता है ना, ये देखो बाहर बारिश हो रही है। मैं आपको बताऊँ, प्रभु की जब जब तैयारी रहती है ना, ऐसे ही होता है। मेरे हाथ भी देखो कैसे हो गए, और यहाँ हो रही है बारिश, ये देखो आनंद ही आनंद है ना। तो अब हम लगे हैं, अब ये सारी, क्योंकि सारा बिखराना तो पड़ेगा ही, अब सारा मैंने यहाँ फोटो भी लगा दी, अपनी जगह नहीं है भाई, घर भरा पड़ा है हमारा, कहीं से भी भर के पूरी जगह, एक एक जगह, कोई स्थान नहीं है। तो खूब सारा प्यार आशीर्वाद सभी को,
कान्हा जी खूब कृपा दे और आप भी खूब सेवाओं में प्रभु की लगी रहें। देखिए वो साड़ियाँ भी हम तिरुपति बालाजी से ही लाए हैं जो कि राधा रानी ये सब धारण करेंगी। अब समय नहीं, राधा अष्टमी पे जो है धारण होंगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चल रही हैं और जैसे ही कोई चीज़ भी मेरे को समझ आएगी आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए वो मैं दिखाऊंगी और इतनी सुंदर लीलाएं प्रभु ने की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे श्री हरिदास।